खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रतीक शर्मा। तो चलिए नजर डालते हैं। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने 1 अगस्त से शुरू हो रहे अनलॉक फेज 3 के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। 31 अगस्त तक के लिए जारी अनलॉक में कुछ शर्तों के साथ रात का कर्फ्यू हटा दिया गया है। साथ ही जिम और योग सेंटर अब सशर्त खुल सकेंगे। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ही यूपी की योगी सरकार भी जल्द ही अनलॉक 3 के लिए गाइडलाइन जारी करेगी। हालांकि सूबे की योगी सरकार केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार ही नोटिफिकेशन जारी करती है, लेकिन माना जा रहा है कि जिन जिलों में संक्रमण के मामले ज्यादा है वहां कुछ रियायतें नहीं मिलेंगी। गौरतलब है कि वर्तमान में यूपी में साप्ताहिक लॉकडाउन जारी है। इसके तहत सोमवार से शुक्रवार तक ही बाजार और ऑफिस खुल रहे हैं। माना जा रहा है कि राज्य सरकार भी केंद्र की तरह ही रात में कर्फ्यू में ढील दे सकती है। हालांकि कंटेनमेंट जोन में पहले की भांति ही सख्ती रहेगी। उम्मीद है कि आज गुरुवार शाम या फिर शुक्रवार तक राज्य सरकार अनलॉक 3 को लेकर गाइडलाइन जारी कर सकती है। बुधवार को केंद्र की तरफ से जारी गाइडलाइन के मुताबिक रात में लगने वाला कर्फ्यू हटाने को कह दिया गया है। इसके साथ ही योग संस्थान और जिम 5 अगस्त से खुलेंगे। वंदे भारत मिशन के तहत सीमित तरीके से यात्रियों की अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा की अनुमति मिली है। किसी भी एक राज्य से दूसरे राज्य में लोग आ जा सकेंगे। सामान ले जाने पर भी कोई प्रतिबंध नहीं होगा। गाइडलाइन के मुताबिक स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 अगस्त 2020 तक बंद रखने का आदेश है। मेट्रो, रेल, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल बंद रहेंगे। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्य और अन्य बड़े कार्यक्रमों पर रोक जारी रहेगी। 31 अगस्त 2020 तक कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन को सख्ती से लागू किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में पुलिस भी गजब है। लोगों को अभी तक याद होगा कि 2 साल पहले बंदूक के धोखा देने पर संभल मुठभेड़ के दौरान एक पुलिस वाले ने मुंह से गोलियों की आवाज निकालना शुरू कर दिया था। कुछ इसी तरह ही ये घटना हमीरपुर जिले में हुई। इस जिले में दरोगा जी को सलमान खान के दबंग चुलबुल पांडे स्टाइल में हिस्ट्री सीटर बदमाश को पकड़े हुए फोटो खिंचवाने का शौक चढ़ा। अब उन्होंने तो फोटो खिंचवाने की कोशिश की, लेकिन प्रदेश के तेज तर्रार आईपीएस ऑफिसर नवनीत सिकेरा ने अपने फेसबुक पर दरोगा जी की फोटो को शेयर किया। फोटो को शेयर करते हुए सिकेरा ने तंज करते हुए लिखा, उन्होंने लिखा कि दरोगा जी स्टंट करने का इतना ही शौक था तो फिल्मों में ट्राई कर लेते, कसम से रैम्बो की याद दिलाती। दरोगा जी की फोटो तो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, लेकिन अब यही हमीरपुर पुलिस की किरकिरी कर रही है। इस फोटो को लेकर जहां हमीरपुर पुलिस अपनी पीठ थपथपा रही थी, वहीं राज्य के वरिष्ठ आईपीएस के चुटीले कमेंट ने हमीरपुर पुलिस के लिए किए कराए पर पानी फेर दिया। सबसे दिलचस्प बात यह है कि हमीरपुर जिले के एसपी लोक कुमार की ओर से शातिर अपराधी को पकड़कर फोटो खिंचवाने वाले दरोगा शाहजहां अली को इनाम देने का ऐलान भी किया जा चुका है। एक अपराधी के साथ पुलिस वालों द्वारा इस तरह की तस्वीर खिंचवाना काफी अनोखा माना जा रहा है। सोशल मीडिया यूजर्स इस तस्वीर को शेयर कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आखिरकार ये कब और कैसे हो रहा है। वहीं कुछ यूजर्स का पूछना है कि क्या वाकई पुलिस वाले क्रिमिनल को पकड़ने गए थे या फिर सिर्फ फोटोशूट करवा रहे। वहीं उत्तर प्रदेश के अयोध्या से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ राम मंदिर के भूमि पूजन की तैयारियों के बीच कोरोना ने दस्तक दे दी है। यहाँ साधु संतों के साथ राम जन्मभूमि की सुरक्षा में लगे पुलिस कर्मियों के भी कोरोना संक्रमित होने की सूचना है। ताजा खबर यह है कि राम जन्मभूमि के पुजारी प्रदीप दास कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। वह प्रधान पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास के शिष्य हैं। प्रदीप दास भी सत्येंद्र दास के साथ राम जन्मभूमि की पूजा करते हैं। बता दें कि राम जन्मभूमि में प्रधान पुजारी के साथ साथ 4 पुजारी रामलला की सेवा करते हैं। अब कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद पुजारी प्रदीप दास को होम क्वारंटीन कर दिया गया। वहीं राम जन्मभूमि की सुरक्षा में लगे 16 पुलिस कर्मी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद से हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर अयोध्या में सुरक्षा कड़ी की गई है। आईडी प्रूफ देखकर ही अयोध्या धाम में लोगों को प्रवेश मिल रहा है। अयोध्या धाम को 7 जोन में बांटा गया है। इस दौरान सभी एंट्री पॉइंट पर सघन चेकिंग चल रही है। एक तरफ उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रदेश में लगातार हो रही हत्याओं अपहरण की घटनाओं से निपटने के लिए जूझ रही है। पुलिस पर इन दिनों तमाम राजनीतिक दल हमला कर रहे हैं। कानपुर से लेकर गोरखपुर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कई घटनाओं ने पुलिस के सामने चुनौती खड़ी की है। वहीं दूसरी तरफ फोर्स के कुछ कर्मी अपनी आदतों से पुलिस की छवि और धूमिल कर रहे हैं। ऐसे
वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस को शर्मसार करने वाली घटना गोंडा से आई है, जहां शहर कोतवाली क्षेत्र में नशे की हालत में एक सिपाही सड़क किनारे पड़ा मिला। यह सिपाही घंटों तक नशे की हालत में सड़क पर पड़ा पड़ा बारिश में भीगता रहा। करीब 7 घंटे बाद एक शख्स ने डायल 112 पर सूचना दी। इसके बाद पुलिस ने सिपाही को अस्पताल पहुंचाया। युवक की जेब से यूपी पुलिस का आईडी कार्ड मिलने के बाद उसकी पहचान हुई। इस युवक का नाम वीरेंद्र कुमार शाही बताया जा रहा है। यह उत्तर प्रदेश पुलिस का सिपाही है। गोरखपुर के रहने वाले सिपाही वीरेंद्र शाही को डायल 112 पुलिस ने नशे की हालत में अस्पताल भेजा। यह शराब पीने के बाद शहर कोतवाली क्षेत्र के पोतरगंज मोहल्ले में गोंडा लखनऊ मार्ग पर घंटों पड़ा रहा और पुलिस की छवि धूमिल करता रहा। वहीं वरिष्ठ नागरिकों की सेहत से लेकर उनकी सामाजिक सुरक्षा तक पर नजर रखने का दावा करने वाली पुलिस का विभत्स चेहरा सामने आया। जमीन पर कब्जा दिलाने के लिए वृद्ध को लॉकअप में डालकर उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। नाजुक हालत में वृद्ध को सीएचसी ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। मानवाधिकारों की धज्जियां उड़ाने वाला यह मामला मल्लीपुर थाने का है। एसपी ने जांच के बाद कार्यवाही करने की बात कही। आपको बताते चले कि थाना मल्लीपुर क्षेत्र के मुरचवा भेला गांव निवासी वृद्ध ने लगभग 5 महीने पहले गांव के निवासी शिक्षक संत लाल गोसाई गांव चराहे के पास अपनी आराजी से 3.5 बीघा जमीन बिक्री की थी। रजिस्ट्री होने के बाद उन्होंने क्रेता को कब्जा भी दिया था। इसके बाद 1 माह बाद संकल्पा मल्लीपुर खुर्द गाँव निवासी त्रिभुवन ने बेची गयी भूमि पर सड़क के सामने के हिस्से पर झोपड़ी रखकर कब्जा कर लिया। क्रेता ने विरोध किया तो जान माल की धमकी देते हुए मारपीट पर उतारू हो गया। पीड़ित ने इसकी शिकायत मल्लीपुर थाने पर की। तत्कालीन थाना अध्यक्ष देवेंद्र पांडे ने न्याय का भरोसा दिलाया, लेकिन जांच शुरू ही हुई थी कि थाना अध्यक्ष का तबादला हो गया। सोनवा थाना अध्यक्ष रहे ब्रजेश द्विवेदी को मल्लीपुर थाने का प्रभार मिला। अवैध कब्जेदार ने जमीन पर मालिकाना हक पाने के लिए नए थानेदार से सांठगांठ कर ली। आरोप है कि कुछ स्थानीय भाजपा नेताओं ने भी इस काम में उसकी मदद की है। वही वृद्ध का वीडियो वायरल होने पर एसपी अनूप सिंह ने मामले को संज्ञान में लिया है। उन्होंने बताया है कि जांच करवाकर आरोपी प्रभारी निरीक्षक पर कार्यवाही की जाएगी। तो खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। मिलते हैं नई खबरों के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया 24/7।